नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आधार अपडेट के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं। तो आपको अपने ब्राउजर पे चले जाना है, उसमें आपको टाइप करना है UIDAI ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। तो आप जैसे ही टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा और आप यहाँ पे क्लिक करके अपना एरिया सेलेक्ट कर लेंगे जो आपके एरिया के आसपास पड़ता है। तो मेरे यहाँ पे इंदरलोक मेट्रो स्टेशन पड़ता है, तो मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे प्रोसीड कर दूंगी। इसके बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे अपना। इसके बाद साइड में लिखा हुआ कैप्चा यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद आपके फ़ोन पे एक OTP गया है, OTP डाल देंगे यहाँ पे। इसके बाद आप वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालेंगे और अपना नाम डालेंगे। इसके बाद जो जो डिटेल आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है वो डाल देंगे। यहाँ पे आप अपना राज्य सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपनी सिटी और अपना आधार सेवा केंद्र। उसके बाद आप इस पे क्लिक करके प्रोसीड कर देंगे। और यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आपको अपने आधार कार्ड में क्या चीज़ अपडेट करवानी है, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे कि आपको मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है या बायोमेट्रिक अपडेट करवाना है या आधार कार्ड में नाम एड्रेस वगैरह चेंज कराना है। तो मैंने अपना बायोमेट्रिक सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूँगी। और यहाँ से आप चेक कर लेंगे कि आपको कौन सी डेट को अपॉइंटमेंट चाहिए। और ये वाइट कलर का टाइमिंग आ रहा है और रेड कलर में स्लॉट सारे बुक हैं, तो आप इस हिसाब से अपना डेट और अपना टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना टाइम सेलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म हो चुका है। सैटरडे को आपकी अपॉइंटमेंट है 10:50 से लेके 11:10, 20 मिनट तक का आपका अपॉइंटमेंट फिक्स है, फर्स्ट फ्लोर इंदरलोक मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली। तो आप इसको प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल आपकी आ गई है। अगर कुछ एडिट करना है अभी तो आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो इसको आप सबमिट कर देंगे। इसके बाद आप ओके कर देंगे। दोबारा से आपको ओके करना है। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 100 रुपीज़ चार्ज लगना है आपका, तो आप अभी पे करना चाहते हैं या आपके आधार कार्ड सेवा केंद्र पे जाने के बाद आप पे करेंगे। मैं केंद्र पे जाके पे करना चाहती हूँ, तो मैंने इस पे क्लिक कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगी। ओके कर देंगे। इसके बाद क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है जनरेट हो चुका है। आप इस प्रिंट को ले जाके अपना आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं।